लॉरेंस डिसूजा ने एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1990 में मूवी न्याय अन्याय से की। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, जयाप्रदा, सुमित सहगल और शिल्पा शिरोडकर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1991 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई साजन। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेड़े और रीमा लागू शामिल थे। इस मूवी का बजट 4,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 10 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 18 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। अगले साल 1992 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई दिल का क्या कसूर। इस मूवी के लीड कास्ट में पृथ्वी, दिव्या भारती और सुरेश ओबेरॉय शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 95,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,30,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1992 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई सपने साजन के। इस मूवी के लीड कास्ट में करिश्मा कपूर, राहुल राय, जैकी श्रॉफ और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1992 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई बलमा। इस मूवी के लीड कास्ट में अविनाश वाधवन, आयशा जुल्का और अंजना मुमताज शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। अगले साल 1993 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई दिल तेरा आशिक। इस मूवी के लीड कास्ट में माधुरी दीक्षित, सलमान खान और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,10,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,90,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1993 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई संग्राम। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, करिश्मा कपूर, आयशा जुल्का, अमरीश पुरी और डैनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,90,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,20,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,85,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1993 में ही इनकी अगली मूवी आई प्रतीक्षा। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, मौसमी चटर्जी, गोविंदा, शिल्पा शिरोडकर और डैनी शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1995 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई अनोखा अंदाज। इस मूवी के लीड कास्ट में मनीषा कोइराला, असरानी, आनंद बलराज, अन्नू कपूर और कादर खान शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1995 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई फौजी। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, राज बब्बर, किरण कुमार और फरहाना शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 67,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,15,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। अगले साल 1996 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई पापी गुड़िया। इस मूवी के लीड कास्ट में अविनाश वधावन, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, तीनू आनंद और मोहन जोशी शामिल थे। इस मूवी का बजट 70,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 45,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 76,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1996 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई माहिर। इस मूवी के लीड कास्ट में हेमा मालिनी, गोविंदा, फरहानाज, राज बब्बर और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,50,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,58,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1996 में ही इनकी अगली मूवी आई दिल तेरा दीवाना। इस मूवी के लीड कास्ट में सैफ अली खान, ट्विंकल खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और दिलीप ताहिल शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,58,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने
6,14,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1999 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई आरजू। इस मूवी के लीड कास्ट में सैफ अली खान, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित, परेश रावल और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 8 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5,59,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 11,76,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2003 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई इंडियन बाबू। इस मूवी के लीड कास्ट में जाट पंडेर, गुरलीन चोपड़ा, मुकेश ऋषि और आलोक नाथ शामिल थे। इस मूवी का बजट 4,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,07,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,11,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2009 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई सनम तेरी कसम। इस मूवी के लीड कास्ट में सैफ अली खान, पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,50,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7,25,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही और ये ही इनकी एज ए डायरेक्टर आखिरी मूवी है। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको लॉरेंस डिसूजा द्वारा डायरेक्ट की गई सभी मूवीज के बारे में बता दिया। लॉरेंस डिसूजा की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।